बताओ एक ये छोटा सा मल्हार है हरियाणा के बड़े ही सुप्रसिद्ध श्रोमणी दादा पंडित लक्ष्मी चंद जी की लेखनी से लिखा। आजकल का तो माहौल ही बदल गया है कि पहले जब सावन का महीना आया करता था तो हमारी जो माता बहने हैं वो झूला घाल के झूला करें थी और जिनके पिया परदेश में बसते थे उनके लिए बादल के माध्यम से संदेशा भेजती थी या फिर बागों में जो पक्षी यानी पपैया मोर पपैया बोलते थे उनके माध्यम से अपने दिल की बात कहती थी। दादा ने क्या लिखा आइए सुनेगा इस मल्हार के माध्यम से क्या बता दिया। पीपी पपैया बोलिया बाग मेरे पीपी पपैया बोलिया बाग में तेरा पिया के बोल रे पपैया बरी नुमत बोले गजबी बाग में हो पपैया बरी नुमत बोले गजबी बाग में अरे पीपी पपैया ही हो जाते हैं हमसे दूर और क्या कहती है के चारे कारे बदीरा संदेशा
पिया के आगे ले दिए उन्हें कह दिए सारी खोल रे पपैया बेरी नुमत बोले जगदी बाग मेरे नुमत बोले जगदी बाग में। और आइए साथियों अजी सरपंच के छोटे भाई, जी हाँ अजी सरपंच के छोटे भाई संजय जी, गांव आज का संभाल कर से 2100 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला बढ़ाने उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। साजन अकेली मन छोड़ गया रे, साजन अकेली मन छोड़ गया रे, मुझे दुखिया ते नाता तोड़ गया रे, मुझे दुखिया से नाता तोड़ गया रे, साजन अकेली चंद के भी लाग गिरे, लक्ष्मी चंद के भी लाग गिरे, आगे बदन में मेरे जाग गिरे, आगे बदन में मेरे जाग गिरे, लक्ष्मी चंद के बदन में मेरे जागेगी तू।